मैं सिद्धू साहब नूं वधाई दिंदा कि तुसीं जितेगा पंजाब जिहड़ा चैनल शुरू कीता है। मेरा ख्याल दुनिया च नवीं पिरत चलन लगी है कि यूट्यूब नाल इनकलाब आएगा, शायद इहनूं डिजिटल इनकलाब कहा जा सकदा है। कल्ला यूट्यूब नाल इनकलाब कितना आऊगा, मैं समझदा कि सिद्धू साहब हर महीने दो महीने पिछों नब्ज चैक कर लैंदे ने लोकां दी, भी शायद मेरे नाल हैगे ने कि नहीं हैगे। सिद्धू साहब पंजाब प्रति तुसीं इन्ने ज़्यादा सुहिरत हो, पंजाब दे हक्कां दी राखी लई लड़ना चाहुंदे हो ते अज सड़कां ते निकलो, हो सकदा 2022 च लोक तुहानूं मुख्यमंत्री भी बना देणगे। थोड़े दिनां च मैं ऐलान कीता कि मैं सिद्धू साहब दे घर आप सारा मीडिया लैके जाऊंगा कि आओ पंजाब लई लड़ीए। नवजोत सिद्धू ने पंजाब दी सियासत च धमाकेदार वापसी कीती है। हुण सिद्धू यूट्यूब चैनल दे जरिए लोकां दे नाल जुड़नगे, जिसदा नाम जिटेगा पंजाब रख्या गया है। इसते हुण विरोधियों ने सिद्धू नूं घेरना शुरू कर दिता है। मनदीप सिंह मन्ना ने सिद्धू नूं घेरदे होए कहा कि जेकर सिद्धू पंजाब दे लोकां दी आवाज बनना चाहुंदा है तां ओह सड़कां ते आवे। नाल ही मन्ना ने ऐलान कीता कि ओह खुद सिद्धू दे घर जवाब लैण दे लई जावेगा, क्योंकि सिद्धू दे समें वड्डे वड्डे कपले होए ने। मैं सिद्धू साहब नूं वधाई दिंदा कि तुसीं जितेगा पंजाब जिहड़ा चैनल शुरू कीता है। मेरा ख्याल दुनिया च नवीं पिरत चलन लगी है कि यूट्यूब नाल इनकलाब आएगा, शायद इहनूं डिजिटल इनकलाब कहा जा सकदा है। सिद्धू साहब दे जद्दी शहर दे विच टीचरां नाल एड्डी भारी तरीके नाल और गंदे तरीके नाल मारकुट की गई, सारा पंजाब सड़कां ते आया आ। गौरमेंट कॉलेज जिहड़े सिखिक आ सड़कां दे उत्ते बैठे ने। कल्ला यूट्यूब नाल इनकलाब किदां आऊगा, मैं समझदा कि सिद्धू साहब हर महीने दो महीने पिछों नब्ज चैक कर लेंगे ने लोगों की, भी शायद मेरे नाल हैगे ने कि नहीं हैगे। और इस करके ना जिहड़ा यूट्यूब जिहड़ा चैनल शुरू किया, और ये मेरे एक दो सवाल भी ने सिद्धू साहब नू कि इनू फेसबुक के उत्ते क्यों नहीं नाल जारी कर रहे, क्योंकि फेसबुक के उत्ते लोग नाल सवाल करने शुरू कर देंगे ने, तुहानू जवाब देने पैंदे ने। यूट्यूब ते तुसीं मोदी साहब वांगू कीता है कि मन की बात अपनी गल रखी ते आपे घर नू बह गए, इहदे नाल नाल लोगों के जवाब तुहानू देने पैणगे। और मैं कहना कि दोवां पार्टियां तो लोग इन्ने अके पए ने पंजाब दे, कोई तीजा बदल लभदे ने। जे सिद्धू साहब पंजाब प्रति तुसीं इन्ने ज़्यादा सुहिरत हो, पंजाब दे हक्कां दी राखी लई लड़ना चाहुंदे हो ते अज सड़कां ते निकलो, हो सकदा 2022 च लोग तुहानू मुख्यमंत्री भी बना देणगे। 15-20 दिनां च महीने च जदों भी कोई इत्थे पंजाब च हादसा होना जां जदों भी कोई तशद्दुद होना, उदों कल्ले यूट्यूब चैनल ते ना बैठो, उदों लोकां नाल उतरो ना, उदों तुहाडा मानसिकता जिहड़ी पता लग जूगी कि तुसीं की करना चाहुंदे हो। और मैं ये दौर बड़ा मतलब इस वेले नाजुक स्थिति दे विच ने सारे देश ही, करोना वायरस करके। थोड़े दिनों मैं ऐलान किया कि मैं सिद्धू साहब के घर आप सारा मीडिया लैके जाऊँगा कि आओ पंजाब लई लड़ीए। और मेरे कुछ सवाल ये भी ने कि पिछले दिन ही जो तुसी लोक सभा दे लोकल बॉडी के मिनिस्टर रहे हो 2-2.5 साल, बड़े वड्डे घपले तुहाडे डिपार्टमेंट च होए सी, जो तुसी राजनीति चाहोगे मैं फिर वो मुद्दे लैके तुहाडे अगे खड़ा होऊंगा। मैनू उन्हां मुद्दियां दे उत्ते मेरी तसली कराओ, पंजाब की जनता की तसली कराओ, जिन्हां दे सामने मैं मुद्दे लैके आया सी। तुहाडियां पहलियां कीतियां गलतियां असी माफ भी करन नूं तैयार हाँ, क्योंकि पंजाब चाहुंदा कि वड्डे डाकू चले जाण, हो सकदा जे जेब कतरे आ भी जाण ते साडा कोई नुकसान नहीं हो सकदा इन्ना ज़्यादा जिन्ना इन्हां ने लुट लिया। अगे लगो पंजाब लई, पंजाब की लड़ाई सड़कां ते आके लड़ो। बटाले एड्डा वड्डा हादसा होया सी, 25-26 बंदे मरे सी, दो वारी उन्हां लोकां ने भी सिद्धू साहब नूं MP बनाया सी। लुधियाणे इन्ना तशद्दुद होया, अमृतसर दे विच आ पिछले दिन एक लड़की की हत्या हो गई जिहड़ी चुक के मार दित्ती गई आ। सिद्धू साहब कल्ला यूट्यूब ते पंजाब ने नहीं सुधरना, पंजाब दे हालात नहीं सुधरने, जे कल्ला चैनलां नाल ही सियासत चलती होंगी तो मेरा मनना पंजाब के जिन्ने चैनल ने इन्हां दे लीडर कोई लोकल बॉडी मिनिस्टर हुंदा ते कोई खेतीबाड़ी मिनिस्टर हुंदा ते कोई वड्डे चैनल वाला मुख्यमंत्री हुंदा। लोगों की लड़ाई लड़न लई सड़कां ते आओ, असी भी तुहाडे नाल। मैं ते कल्ला तुहानू नहीं कहिंदा कि कोई बंदा पंजाब दा कल्ला कल्ला नौजवान भीख मंग रहा कि कोई आके साडी गवाही सच्ची नीत नाल कर लो, साडी को सिक्ख्या, साडी को सेहत, साडियां को लोड़ां लई ध्यान दो। कोई भी बंदा आके साडी गवाही करे, तुसीं भी उहदे विच हिस्सा बन सकदे हो। मैनू जे 50,000 बंदा सुनता तो तुहानू 5,50,000 बंदा सुनता। लोगों की आवाज़ बनो और पंजाब लई अगे लगो। जो मेरे सुनने आया जी, दो बारी इन्हें कांग्रेस दिल्ली दफ्तर जाके अपना हाथ का नारा मारिया कि मेरा कद बड़ा वड्डा और मैं एडजस्ट किया जाए, और उन्होंने इन्हों कि तुम हिंदुस्तान की जिम्मेवारी लेंदे, जिते स्टेटा इलैक्शन है उत्थे जाणो करनी कतरा चुके हैं।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਓ, ਇਕੱਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੋ ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬਸ 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 ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਨ ਛਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦਾ, ਇੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦਾ, ਹਰ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ, ਔਰ 4 ਵਜੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਤੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਗਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਂਗਾਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੋ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਹੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।